मैं साइड पे हूँ, कभी बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, मैं कभी आए हुए हैं तो जाके छत पे देखती हैं तो क्या बात है, तो चलती हैं छत पे। छत पे आ गया हूँ अभी तो बहुत ज़्यादा कभी तो भी चेक करता हूँ कि ये क्यों आए हुए हैं, मुझे देख के मेरी तरफ आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। चारों तरफ देखना पड़ता है क्योंकि ये आके सर पे अटैक करते हैं। जी कभी देखें आ रहे हैं, कब उन्हें बहुत ज़्यादा शोर किया हुआ है तो कोई आए हुए है, कोई मसला है इनके साथ। तीन चार दफा मेरे सर पे अटैक कर चुके हैं, वो देखें हर छत की वक्त कभी कभी बैठे हैं और इन सब का रुख हमारे घर की तरफ है। तो अक्सर ये होता है कि यहाँ पे कोई कौवा या कोई पिंडा भी धागों में फंस जाता है, जो नलों के धागों की जो टंगे लोग आते हैं तो धागे जब दस्तों में फंस जाते हैं तो उसमें पिंडे बेचारों का भी सफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम जो है किसी मजदूर वगैरह को बुलाते हैं, चढ़ के तो दस्त पे उनको निकाल देते हैं। तो अभी मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि कहीं का बात नहीं फंसा हुआ किसी दरख्त पे, तो किसी मजदूर को बुलाते हैं जो दरख्त पे चढ़ के तो उसको उतार देगा। ऐसे नज़र तो नहीं आ रहा अभी तक, कोई रीज़न होती है तो कभी सारे मिल के बैठते हैं। मैं भी ढूंढता हूँ कहीं कोई कवा तो नहीं फंसा हुआ, आप ही ज़रा चेक करें कि कोई मूवमेंट तो नज़र नहीं आ रही। ये आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, तीन दफ़ा अटैम्प्ट कर चुके हैं मुझ पर, दस से उड़ के आके मुझे सर पे मारते हैं, आके आने नहीं देते इस तरफ। इस तरफ उन्होंने घोंसला भी बताया, जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि घोंसला उन्होंने बनाया हुआ है और उस वजह से भी बहुत तंग करते हैं। शू की वीडियोस में हमने आपको एक घोंसला हटाते हुए भी दिखाया था और आपने घोंसला भी देखा था बना हुआ जो हमने उतारा है। तो आज ये कथे सारे जमा है, रिजन नहीं पता चल रही कि शोर क्यों किया हुआ है। हाँ क्योंकि ये देखें किसी कवे की शादी हो रही हो तो इस पे इस तरह नहीं आते जितना ये किसी की मुश्किल में पहुँचते हैं। मुझे दूर दूर तक दरख्तों में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। मैक्स भी ढूंढ रहा कि शोर क्यों किया होगा इन्होंने। मैक्स क्यों शोर कर रहे हैं ये कवे हैं? अब इस तरफ आया हूँ, कवों ने मेरा निशाना बांधा हुआ है मुझे मेरे सर पे मारने के लिए। हाँ ये नज़र आ गया जी, कभी कवों ने शोर किया। ये देखिए ये जख्मी कवा बैठा हुआ है, बताया कोई वजह है कि जो कवों ने शोर किया हुआ है, ये जख्मी कवा बैठा है। मैं भी बताता हूँ आप, देखें
ये कब है, ये जख्मी हो चुका है या मर गया, ये कब है, तो ये जख्मी पड़ा हुआ है, इसके लिए सारे कबे जमा है। कभी मैं डराता हूँ, बाबा मेरे सर पे आके मार रहे थे, तो अभी जो है ना जागरूकता को चेक करते हैं, कभी कभी जाके उठाते हैं जाग से। इन कौवों में तफाक बहुत होता है, एक जख्मी हो या एक मुश्किल में कोई कौवा हो तो सब पहुंच जाते हैं, एक दूसरे को कॉल करके बुला लेते हैं। आखिर हमने ढूंढ ही लिया है कि इतने घनों दरख्तों में ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन अटैम्प्ट तो ही करते हैं, मर्डर ही करते हैं कि जिधर इनका क्या कहते हैं कोई जख्मी दोस्त या कोई कौवा मुसीबत में पड़ा हो तो उसके पास जाओ तब मारते हैं। तो मुझे अंदाजा हो गया था इससे, क्योंकि तीन इस तरफ मैं हूँ तो तीन दफ़ा उन्होंने मुझे मारा है, और कब अभी जख्मी ढूंढ लिया है, अभी जाके उसको चेक करते हैं। अभी हम उधर जा रहे हैं जिधर कवा जख्मी पड़ा है, हिलजुल तो नहीं कर रहा था, मुझे लगता है मर गया है। ये नहीं जिंदा है, ये कब आ रहा है, मुझे लगता है ये वही जो पतंग के धागे होते हैं उसमें ये खाते हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जब भी जिंदगी में अपनी पतंग उड़ाएं, बच्चे पतंग उड़ाएं, तो देखें कि नैलों का धागा ना हो, सिंपल जो धागे होते हैं जैसे जो पुराने ज़माने में यूज होते थे सिंपल धागे, वो पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया करें। देखिए इसमें आप लोगों की जरूरत सी गलती सी वजह से पिंजे फंस जाते हैं, जहाँ पर तुम ख्याल करते हैं मजदूर बुला के तो उनको निकलवा देते हैं, लेकिन जहाँ ऊंचे दरख्त होते हैं तो उसमें आप ही जो है ना जो बैलान के धागे इस्तेमाल करते हैं, वो भी ज़्यादा की शरीर करके उनकी जाने में, तो पिंडों का ख्याल करते हुए आपसे गुजारिश है कि सिंपल धागे से पता लगाए ना कि मैलॉन प्लास्टिक के धागे से। अब जब हम इसको टाटे हैं तब एक और रिजाइज करवाते हैं, कभी आई मैं देखिए जी नैलॉन के धागे में फंसा हुआ, इसमें उतारते हैं अभी चीज़ें लाए हैं और सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे। और ये धागे जो है फंसे हुए इस वक्त सख्त डरा हुआ है, ये देखिए ये धागा हमने निकाला है काट के, और ये कभी तो ना विकेट ठीक कर दिया है, इसको अभी याद करते हैं। सख्त डरा हुआ है ये, बड़ा सख्त मार के गए हैं सर पे, आपको आवाज़ आई होगी दस की मेरे सर पे मारा है, इन्हें क्या पता है कि हम उनके साथ नेकी कर रहे हैं, जानवर जानवर होता है, सर मेरा दर्द कर दिया, चार पांच दफ़ा मार चुके हैं मेरे सर पे, तो आपने देखा हमने कवे को आज़ाद करवा दिया है। एक दफ़ा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी पतंग जब भी उड़ाएँ तो नैलॉन के धागे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नैलॉन के धागों की लंबी उम्र होती है, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते,
और ट्रेन क्रेन जो है दस्तों में फंस के उन बेचारों की डेथ भी हो जाती है। शुक्रिया।